A very warm welcome to all of you in CTET video lecture series, an initiative of Unique Institute of Behavioral Sciences. सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो मैथमेटिक्स पेपर वन कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें पार्ट वन पार्ट टू वी हैव ऑलरेडी कवर. इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आज हम पार्ट थ्री कवर करेंगे. पार्ट थ्री में विच वी हैव टू कवर जो टॉपिक हमें कवर करने हैं मेजरमेंट वेट टाइम. राइट, हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगा रेदर देन कि हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स में हर चीज कवर करें. राइट, और एट द एंड ऑफ दिस वी विल डू सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक वेट मेजरमेंट के अंडर में. वेट 1 किलो 1000 ग्राम. कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूनिट कन्वर्जन पे जो हमें ध्यान में रखना है. और 1 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीग्राम होगा. ओके, मीनवाइल इन बिटवीन इसके अंदर इन दोनों के अंदर भी बहुत सारी यूनिट होती हैं वेट मेजर करने के लिए. एक बार देख लेते हैं. राइट, वेट की सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे किलोग्राम है. राइट, वी हैव किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. राइट, जब भी आप किलोग्राम से हेक्टोग्राम या हेक्टोग्राम से डेकाग्राम आप डाउन द लेडर आ रहे हैं उस टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है. राइट, अगर एक प्लेस मूव कर रहे हैं आप यानी किलोग्राम से हेक्टोग्राम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है. राइट, एक प्लेस मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है 10 से. राइट, अगर आप दो प्लेस मूव कर रहे हैं केजी से अगर आप डेकाग्राम में जा रहे हैं तब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. राइट, लाइकवाइज डाउन द लेडर मल्टीप्लाई. और अगर आप ऊपर आ रहे हैं राइट, अगर एमजी से मिलीग्राम से आप कन्वर्जन कर रहे हैं सेंटीग्राम में उस टाइप आप डिवाइड करेंगे 10 से. जितना हर एक प्लेस मूव करेंगे तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, दो प्लेस मूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे. राइट, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 11 किलोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, केजी ये है और ग्राम ये है. अब हमको काउंट करना है कितने प्लेस हैं. राइट, 1 2 3 यानी 10, यहाँ पे भी एक प्लेस और 10, यहाँ पर एक प्लेस 10, तो टोटल हो गया हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो 11 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 11 मल्टीप्लाई 1000, तो ये हो गया 11000 ग्राम. राइट, सिमिलरली अगर आपको 11000 ग्राम को कन्वर्ट करना होता केजी में, सिमिलरली आपको 1000 से आपको डिवाइड करना होता तो यू वुड हैव गॉटन 11 केजी. राइट, ओके, तो वेट का और यूनिट्स क्या हैं, वो कन्वर्जन कैसा होता है आपस में. सिमिलरली लिक्विड का भी ऐसा ही होगा. लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. उसके बाद इसमें सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर, वो चीज सिमिलर कन्वर्जन होगा जैसे वेट का होता है. ओके, नाउ थर्ड इज टाइम. टाइम 1 hour वी नो 60 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. 1 hour इज इक्वल टू 36 seconds. राइट, तो ये कन्वर्जन हमें ध्यान में रखना है और ये हम यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के. राइट, ओके, नाउ फोर्थ इज लेंथ. लेंथ एज वी हैव डिस्कस्ड सिमिलर टू वेट, इसमें किलोमीटर
इसके बीच में भी और यूनिट है जो हमने अभी स्किप किया हुआ है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जो यूनिट हमें ध्यान में रखनी है उनका कन्वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं. किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, इनके बीच में 1000 डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम यहाँ पे डाउन द लेडर आ रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीटर से सेंटीमीटर के बीच में एक का डिफरेंस है, यहाँ पे दो प्लेस हैं, राइट. यहाँ पे डेसीमीटर आता है, इसलिए एक प्लेस यहाँ और एक प्लेस यहाँ, तो वो 10 और 10 100 हो गया, राइट. देन सेंटीमीटर से मिलीमीटर, राइट. अगर आप अप द लेडर आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है 10 से. यहाँ पे दो प्लेस हैं इसलिए 100, यहाँ पे तीन प्लेस हैं इसलिए 1000 से आपको डिवाइड करना है, राइट. लेट्स सपोज हमारे पास 5 किलोमीटर है, कन्वर्ट करना है मीटर में. 5 किलोमीटर को मीटर में तो हम डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट. ओके, यहाँ पे एक और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि वॉल्यूम और कैपेसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है. तो वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑलमोस्ट हम इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. लेट सपोज मेरे पास एक पॉट है, राइट, और इस पॉट में इतना मटेरियल है, कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, राइट. इतना सॉलिड मटेरियल है तो कैपेसिटी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस, ये वाला स्पेस, राइट. आप इमेजिन करिए कि इसमें हमने पानी डाला है तो वो उस पानी ने सिर्फ इतना सा ही स्पेस लिया है, इतना सा ही. तो वो जो स्पेस है जो कंटेनर ने होल्ड किया हुआ है उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, राइट. जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम इस पूरे का आएगा, पूरे का, राइट, इंक्लूडिंग दिस पार्ट एज वेल. ये जो पार्ट है कि इस पूरे पॉट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, राइट. इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, राइट, जो भी है उसमें जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं उसका क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम. नाउ वी बिगिन विथ सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, दीपा गोज टू अ पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट लेटर्स एंड पार्सल. द पोस्टल रेट्स डिपिक्टेड आर एज बिलो. लेटर वेइंग अगर 20 ग्राम और उससे कम है तो उसका 5 रुपया, पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम उसका 2 रुपया. पार्सल वेइंग का, ये लेटर वेइंग का है और पार्सल अगर वे करते हैं तो उसका अगर 50 ग्राम है उससे कम है तो 5 रुपया, और हर एक अगला 50 ग्राम अगर ऐड करते हैं तो उसका 3 रुपया, ठीक है. क्वेश्चन आता है कि दीपा वांट्स टू सेंड टू पार्सल वेइंग 250 ग्राम एंड 300 ग्राम रेस्पेक्टिवली एंड टू लेटर्स ईच टू 20 ग्राम एंड 30 ग्राम रेस्पेक्टिवली. हाउ मच पोस्टल चार्ज डज शी हैव टू पे, राइट. यहाँ पे हम देखेंगे कि 250 ग्राम ये पार्सल्स हैं, राइट. पार्सल का अगर हम यहाँ पे अगर रेट देखें तो 50 ग्राम और उससे कम 5 रुपए और 300 ग्राम है, तो वी बिगिन विद द पार्सल. पार्सल का रेट होगा 250 ग्राम का, उसको पार्सल भेजना है तो जो फर्स्ट 50 ग्राम होगा उसका 5 रुपए, जो अगले सब्सिक्वेंट 50 ग्राम होगा उसका 3 रुपए, यानी 3
इंटू चार। क्यों चार? क्योंकि यहाँ पे 200 तक जो सब्सक्वेंट 50 50 50 50 ग्राम होगा, मतलब 200 तक उसको 3 रुपया देना है उसके लिए। तो ये टोटल आ जाएगा, टोटल 17 रुपए, राइट। उसके बाद 300 ग्राम का कितना होगा? पहले 50 ग्राम का 5 रुपए और अगले अगले 5 5 ग्राम का 20 रुपए, राइट। और अगर लेटर की बात करें तो लेटर का है 20 ग्राम और 35 ग्राम का। 20 ग्राम, पहले 20 ग्राम का वेट कितना है, कितना रेट है? 5 ग्राम। तो हमारे पास ये 20 ग्राम का है, तो ये 5 रुपए लगेंगे। और दूसरा है 35 ग्राम, 35 ग्राम, राइट। इसमें जो फर्स्ट 20 वाला होगा, तो 35 ग्राम में जो पहला 20 ग्राम है उसका 5 रुपया, और जो बाकी बचा 15 ग्राम, तो 15 ग्राम के लिए हमारा ये जो दूसरा वाला रेट है पर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, तो अगले 20 ग्राम तक वो 2 रुपए लेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास 15 ग्राम है, तो वो 20 ग्राम तक 2 रुपए लेंगे, तो एडिशनल हमारे पास 2 रुपए और देने होंगे। तो टोटल हो गए 7 रुपए। तो अब टोटल कितना देना होगा? आप इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है, दिस इज 37, दिस इज 47 प्लस 2, 49 रुपीज इज द आंसर, राइट। सो 49 इज आर। अ शॉपकीपर मिक्स्ड 5.3 kg ऑफ आलमंड्स, 2100 ग्राम ऑफ रेजिन्स, 2.2 kg ऑफ कैशूज एंड पैक द मिक्सचर इक्वली इनटू 2 डजन पैकेट। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट, राइट। अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 5.3 kg, राइट। अभी यहाँ पे ये ग्राम में है, अब हमको इसको किलोग्राम में करना है। हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और ये ग्राम में है, केजी में करना है। तो हम 2100 को डिवाइड करेंगे 1000 से, वी गेट 2.1 kg, राइट। सो 2.1 kg एंड 2.2 kg, राइट, 9.6 kg हमारे पास टोटल आ गया है। और हमने इनको, इस मिक्सचर को इक्वली मिक्स किया है, 2 डजन पैकेट, 1 डजन 12, तो 2 डजन 24, राइट। तो इसको 9.6 kg को हम इसमें ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 96। ये ऑलरेडी हम इसको पहले, इनको भी हम ग्राम में चेंज कर सकते थे, तो 96 ग्राम आ गया। 96 ग्राम को हमने 24 पैकेट्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो हमारे पास एक पैकेट के अंदर जो मिक्सचर आएगा वो आएगा, आप डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 से 12, 800, तो 2 से 4, यानी 400 ग्राम का एक पैकेट होगा, राइट। सो ये कन्वर्जन पे था ये क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन, अ बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर, अनदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीकर, राइट। तो एक बीकर है हमारे पास जिसका कैपेसिटी हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको जो गिवन है वो दिया है
3/7. Let's suppose this part, this is 3/7 part, is filled with water. और इसको पूरा भरने के लिए हमको और इसमें 16 लीटर डालना पड़ा ताकि ये पूरा भर गया है. तो हमको इसका कैपेसिटी फाइंड आउट, राइट. तो हमको पता है कि जो पूरा यूनिट होगा, पूरा इसका जो कैपेसिटी होगा वो 1 होगा, राइट. तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस पार्ट में वाटर है, 3/7, राइट. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4/7 वाला जो पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, 4/7, राइट. अच्छा, अभी हमको 4/7 दिया हुआ है, जो 4/7 पार्ट है वो 16 लीटर है. तो हम मान के चलते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है वो ए है, ए लीटर है, ठीक है. तो इसको इक्वेशन में फ्रेम करेंगे तो हमको बताना है कि जो ए कैपेसिटी है उसका 4/7 पार्ट 16 लीटर है, तो ए कितना होगा, राइट. तो इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 16 × 7, ये इस साइड चला जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, राइट. तो ए कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, 4, तो 28 लीटर वुड बी द आंसर, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आशा प्लान्स टू सेव सम मनी फ्रॉम हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर टू बाय अ मोबाइल फोन. एवरी वीक शी सेव्स ₹50 ऑन मंडे, ₹100 ऑन वेंसडे एंड 80 on Friday and spend 60 from this on Sunday, right? How many weeks would she take to save enough to buy a mobile phone of ₹5,950? So let's say, okay, यहाँ पे दिया हुआ है Monday को she saves ₹50, ठीक है. वेंसडे को वो सेव करती हैं ₹100, 80 करती हैं वो फ्राइडे को, 80, ओके. और ₹60 वो स्पेंड करती हैं, खर्चा कर देती हैं संडे को उन्हीं सेविंग्स में से, राइट. तो अगर हम एक हफ्ते का जो सेविंग, जो नेट सेविंग अगर हम देखेंगे तो वो आएगा, ये 60 उसमें से लेस हो जाएगा, राइट. तो हमको इन सबको ऐड करना है क्योंकि ये सेविंग्स है और वो संडे को खर्चा कर देती हैं. तो इसका नेट सेविंग हमारा कितना होगा, टोटल करेंगे 170 नेट सेविंग, ओके. अब मोबाइल फोन कितने का है, मोबाइल फोन होगा 5950, राइट. तो एक वीक का नेट सेविंग इतना है, तो कितने हफ्ते लगेंगे, क्वेश्चन है कि कितने हफ्ते लगेंगे इतना आशा को सेव करने में, राइट. तो हम डिवाइड करेंगे, एक हफ्ते का जितना सेविंग है उसको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, देन 170, 8, 5, 80, ओके. यानी 35 वीक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, 35 वीक, राइट. ओके, हमारे पास क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन. अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग कंटेनर्स measuring 200 ml and 300 ml. Which one of the following combination of containers is not correct for filling the bucket completely by containers of 200 ml and 300 ml respectively, right? हमारे पास पहला ऑप्शन है 4,4, यानी अगर हम 4 multiply 200 ml से
प्लस 4 मल्टीप्लाई 300 ml से भरेंगे तो ये जो आंसर आएगा 4 टाइम्स 2 800 प्लस 1200, तो ये हमारे पास आ गया 2000 ml, विच इज करेक्ट, यानी इससे भर सकता है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है. देन टेक दिस 7 और 2 प्लस ये 7 हो गया, देन वी हैव 2 मल्टीप्लाई 300 ml का कॉम्बिनेशन है, तो वी हैव 1400 प्लस 600 विच इज अगेन 2000 ml, ये भी करेक्ट है. देन टेक दिस 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 6 वो 200 ml का है और 3 वो 300 ml का है, राइट. वी हैव दिस 1200 ml प्लस 900 ml. अच्छा, अगर इसको टोटल करते हैं तो दिस इज एक्सीडिंग 2000 ml, 2000 ml या 2 लीटर से ज्यादा हो रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन गलत है, तो जो पूछा है वो यही है, राइट. और अगर हम इसको भी करके देख लेते हैं, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, 1 200 ml प्लस 6 300 ml, वी हैव दिस 200 ml प्लस 800 ml, अगेन 2000 ml, विच इज करेक्ट. जो इनकरेक्ट है वो ओनली दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हारून वेंट टू अ फ्रूट शॉप, ही बॉट 1.5 dozen बनाना एट द रेट ऑफ 2.50 पर बनाना, 3.5 kg एप्पल एट दिस रेट पर kg, 1.5 kg ऑफ मैंगोज at this rate, okay, then and 750 gram of grapes at 120 per kg. If he gave a note of 500 to the fruit seller, he'll get back. So, ye basic isme calculation karna hai. He bought 1.5 dozen banana at the rate of 2.50 per banana, right? 1.5 banana, 1.5 dozen, यानी 12 plus 6 कितना हो गया, 18, यानी 18 बनाना है, मल्टीप्लाई एक बनाना का रेट है 2.5, तो हम 18 बनाना का रेट आ जाएगा, राइट. तो ये आ जाएगा, ₹45. नाउ 3.5 kg एप्पल, 3.5 kg, ये पर केजी का रेट है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3.5, 3.5 मीन्स 3.5 मल्टीप्लाई, 1 kg का रेट इतना है, तो 57.60 विच इज इक्वल टू 201.6. 1.5 kg of mangoes at 75.40 per kg, right? 1.5 kg, तो 1.5 मल्टीप्लाई पर केजी का रेट है 75.40. द आंसर इज 113.1. Okay, and 750 grams of grapes at this kg. यहाँ पे ये ग्राम है, इसको kg में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे kg का रेट दिया हुआ है, राइट. तो अगर 750 grams को kg में करना है, तो हमको पता है ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो 1000 से
डिवाइड होगा कैंसिल, तो ये होगा 0.75 kg, राइट। तो 0.75 kg मल्टीप्लाई, 1 kg का रेट है 120, 120, सो यू विल गेट हेयर 90। अब इसको सम करेंगे, 449.7, ये टोटल हमारा खर्चा आया है फ्रूट्स खरीदने में। और हारून ने क्योंकि 500 दिया है नोट, राइट, तो 500 में से जो फ्रूट का रेट है या फ्रूट का जो प्राइस है टोटल, उसको लेस कर देंगे 449.7, राइट। यहाँ पे हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, सो यहाँ पे 305, सो 50.3 इतना रुपए उसको वापस मिलेगा, राइट। सो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन, तो हमको 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो फाइंड आउट करना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 मिनट यानी 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड विच इज 3600 सेकेंड्स, राइट। 6 आवर में तो 6 मल्टीप्लाई 3600 विच इज 21600 सेकेंड्स, राइट, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन हाउ मेनी डेज, इतने मिनट कितने दिन में होते हैं, राइट। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट सपोज हमारे पास 21600 मिनट्स हैं, राइट, और वी नो कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में वी हैव 60 मिनट 1 घंटे में, एंड वी हैव 24 आवर्स इन 1 डे विच इज इक्वल टू अगेन 21600, और ये हम कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल, सिक्स से सिक्स, राइट, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 12 से 2 अगेन, तो 15 डेज, 15 डेज इज द आंसर, राइट। ओके, द नाइन्थ क्वेश्चन, व्हेन इट इज 8:49 PM इन दिल्ली, इट इज 1:19 AM ऑन द नेक्स्ट डे इन सिडनी, व्हाट टाइम विल बी इन सिडनी व्हेन इट इज 11:19 AM इन दिल्ली, राइट। हम ऐसा क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन, राइट। सो 8:49 PM, राइट, इसको हम जो इसका नियरेस्ट टाइम है वो हम लेते हैं 9 PM, राइट। 9 PM से हमें टाइम कैलकुलेट करना है, यहाँ 1:19 AM है, इसको भी हम इसका नियरेस्ट टाइम 1 AM लेते हैं हम, राइट। ओके, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हमने 11 मिनट हमने मिस किया है, राइट, यहाँ पे 11 मिनट हमने हम आगे बढ़े हैं तो हमको वो कंपनसेट करना है, राइट, 11 मिनट वो हम यहाँ पर 11 मिनट ऐड कर देंगे, राइट, यहाँ से डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ पर 11 मिनट ऐड कर देंगे। और जो ये 19 AM था, हम पीछे गए हैं, राइट, 19 मिनट जो ये एक्स्ट्रा टाइम था हम पीछे गए हैं, तो यहाँ पे 19 मिनट भी यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा। तो टोटल अगर डिफरेंस देखेंगे आप, तो ये मिनट्स हैं और इसका डिफरेंस निकालना है, तो वी हैव 4 आवर्स का डिफरेंस इनके बीच में, 9 PM से 1 AM, और यहाँ पे 30 मिनट्स, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस,
Now the question is 11:19 AM है दिल्ली में, तो सिडनी में क्या टाइम हो रहा है? तो हमको यहाँ पे और 30 मिनट ऐड कर देना है. 9 वी हैव 4 देन 5 देन 1 व्हिच इज 3:49 PM राइट. सो सी इज द आंसर. ओके, सो विद दैट वी आर एंडिंग आवर लेक्चर हियर. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Read the following railway timings of New Delhi Chennai Rajdhani Express and answer the question. ये एक राजधानी एक्सप्रेस का टाइमिंग है. न्यू दिल्ली से डिपार्ट करती है 15:55. अगर 24 आवर्स वाली घड़ी में देखें तो दिस इज 3:55 PM और ये चेन्नई पहुंचती है 20:45 विच इज 8:45 PM नेक्स्ट इवनिंग राइट. Which of the following statement is true? तो basically इस question में हमको time का difference देखना है, right? Time का difference कैसे देखते हैं? The duration of journey from New Delhi to Nagpur, New Delhi to Nagpur is 11 hours 30 minutes. ये सही है, ये गलत है? Let's see. New Delhi से 3:55 PM से लेके नागपुर पहुंचते हैं 5:25 in the morning, राइट. अब हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको जो इसका नियर बाय टाइम है वो कंसिडर करेंगे. दैट इज यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे इसको 4 PM, राइट. यहाँ पर हमने इसका जो 5 मिनट था, राइट, इसका जो 5 मिनट था वो उसको लेस कर दिया है, राइट. 5 मिनट का जो टाइम था उसको यहाँ से घटा के इसको 4 बजे से कर दिया, यानी अभी जो पांच मिनट एक्स्ट्रा है वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा फाइनली. और इसको जो 5:25 है इसको हम कंसिडर करेंगे. आप इसको 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं. अगर मैं 5 कंसिडर करता हूँ तो इसका जो 25 मिनट्स है वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा लेटर ऑन, राइट. अभी यहाँ पर देखेंगे हम 4 PM से लेके 5 AM इन द मॉर्निंग, तो टोटल टाइम जो हमारे पास है 13 आवर्स है, प्लस हमने जो 5 मिनट यहाँ लिया था एक्स्ट्रा, जो यहाँ से लेस किया था वो यहाँ पर ऐड करेंगे 5 मिनट्स, प्लस यहाँ पर जो 25 मिनट हमने पीछे गए थे यहाँ, यानी 5 AM के मॉर्निंग में इसको हमको ऐड करना है. दैट इज तो 13 आवर्स और 30 मिनट्स, राइट. क्या ये है क्या? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम भोपाल टू चेन्नई, भोपाल से चेन्नई. अगेन भोपाल से डिपार्चर होता है रात 12:05, तो विल से इसको हम 12 कंसिडर करते हैं, राइट. 12, अब इसका जो 5 मिनट हमने यहाँ से लेस किया है, राइट. और इसका चेन्नई का जो अराइवल टाइम है वो है 8:45, राइट. 8:45 PM, जो अभी इसको हम 9 कंसिडर करते हैं यहाँ पर, राइट. यहाँ पर हम इसको 9 कंसिडर कर रहे हैं, 9 PM. तो हमने यहाँ पर 8:45 था और यहाँ पर जो 5 मिनट बाद में चला उसको हम 5 मिनट पीछे गए, तो हम इसको एडजस्ट करना है, राइट. फिलहाल अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं. 12 AM मॉर्निंग, राइट, जो मिडनाइट का है 12 बजे से लेके 9 बजे तक, तो जो टोटल डिफरेंस आया है, टोटल डिफरेंस आएगा यहाँ पर
21 आवर्स, राइट। अब जो हमने यहाँ पर 5 मिनट घटाए थे, पीछे गए थे, वो 5 मिनट ऐड करना है, प्लस जो 45 से 9 PM गए थे हमने और इसका टाइम बढ़ा दिया था, तो वो 15 मिनट हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है, विच इज 20 मिनट्स, राइट। तो 21 आवर्स और 20 मिनट, तो ये 21 आवर 40 मिनट्स है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ थर्ड स्टेटमेंट सेइंग द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम भोपाल टू विजयवाड़ा इज 13 आवर एंड 10 मिनट। भोपाल से विजयवाड़ा, भोपाल अगेन यहाँ पर 12 हम कंसिडर करेंगे, और विजयवाड़ा ये पहुँचता है 14:15 पे। अगर इसको 24 आवर्स वाली क्लॉक में देखेंगे तो इट इज 2:15 PM, राइट, 2:15 PM, राइट। तो इसका जो नियर बाय हम टाइम लेते हैं, हम इसको 2 PM कर देते हैं। अब हमें 12 मिडनाइट से लेके नेक्स्ट डे का 2 PM तक हमको टाइम देखना है, तो दिस इज 14 आवर्स। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ का जो 5 मिनट हमने कम किया था वो यहाँ पे हमको ऐड करना है, राइट। तो यहाँ का जो 5 मिनट था वो ऐड करना है, इसके साथ ही हमने यहाँ 15 मिनट, हमने जो इसका जो एक्स्ट्रा 15 मिनट था यहाँ पर लेस किया था, तो वो हमको यहाँ पर जो टाइम लेस किया था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमको वो 15 मिनट वापस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। तो ये टोटल जो टाइम आएगा भोपाल से विजयवाड़ा वो होगा 14 आवर्स और 15 मिनट्स। राइट, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट्स सी द स्टेटमेंट डी, द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू चेन्नई इज 15 आवर 10 मिनट। नागपुर से जो डिपार्ट होता है वो 5:35 AM है, 5:35 AM, और ये चेन्नई पहुंचता है 8:45 PM। ओके, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम इसको 5 कंसिडर करते हैं, 5 AM। अब क्योंकि यहाँ पे ये 35 मिनट हमने लेस किया है तो हम इसको आगे एडजस्ट करेंगे, इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो 8:45 था इसको हम 9 करते हैं, 9 PM, राइट। और जो 40 जो 15 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा दिया है उसको हम आगे लेस करेंगे, राइट। अभी देखना है हमको 5 AM से लेके 9 PM तक कितने आवर्स होते हैं। तो ये आ गया, तो विच इज एक्चुअली 16 आवर्स, राइट। अब जो हमने यहाँ 35 मिनट लेस किया था तो उसको हमको ऐड करना है यहाँ पे, 35 मिनट, राइट। और 8:45 तक था, 8:45 से हम उसको 9 गए, यानी 15 मिनट हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड, सॉरी, जो यहाँ पर 15 मिनट था, 8:45 से हम 9 PM गए, जो 15 मिनट जो था हमने एक्स्ट्रा डाला था, राइट। तो उसको हमने यहाँ पर इसके साथ ऐड करना है, विच इज 15 मिनट, राइट। और इन दोनों को उसमें से लेस करना है, 50 मिनट। ये दोनों जो एक्स्ट्रा ये हमने यहाँ पे टाइमिंग बढ़ाया था उसका, उसको उसमें एडजस्ट करके उसमें लेस करना है, राइट।
तो दिस इज कमिंग 16 आवर माइनस, तो 15 आवर्स और 10 मिनट. यस, दिस इज द आंसर, राइट? सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन.